नमस्कार दोस्तों, माँ राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का ट्वेल्थ चैप्टर वेक्टर की एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। इसका जो कंसेप्ट है दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों? पोजीशन वेक्टर, वैसे मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया, किसी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन हम बोलते हैं उसे पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। सपोज मेरे पास ए पॉइंट है और ओ कोई फिक्स पॉइंट है, तो ए की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो उसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर। यानी ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगी बच्चों? ओए। तो ओए वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो बच्चों, अब हम टू एक्सप्रेस ए वेक्टर इन टर्म ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट। सपोज हमारे पास बच्चों एक ए और ये बी, ए बी हमारे पास एक वेक्टर है। मैंने कहा है एक्सप्रेस ए वेक्टर, ये वेक्टर है ए बी। हमें इस वेक्टर ए बी को इन टर्म ऑफ पोजिशन वेक्टर लिखना है, इन टर्म ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट। इसके एंड पॉइंट है ए और बी। लेट ओ बी ए फिक्स पॉइंट। हमने क्या किया बच्चों? ओ एक फिक्स पॉइंट लिया, तो ओ पॉइंट ए का विद रिस्पेक्ट टू ओ पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों? ओए। तो ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। बच्चों जो फिक्स पॉइंट है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो इसी तरह से बी का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो क्या है? ओ बी। अब मुझे ए बी वेक्टर है जो, इसका पोजीशन निकालनी है। ए बी वेक्टर की पोजीशन निकालनी है, तो हमारे पास बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हमारे पास बच्चों देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन गई है ओ ए बी। तो हमें पता है ओ ए प्लस ए बी, ओ ए बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ओ ए प्लस ए बी किसके इक्वल होगा बच्चों? ओ ए दो वेक्टर का सम इन द सेम ऑर्डर, में दो वेक्टर का सम किसके इक्वल होगा? थर्ड साइड के इक्वल होगा एंड अपोजिट ऑर्डर में होगा। यानी ओ ए प्लस ए बी किसके इक्वल होगा बच्चों? ओ बी के इक्वल होगा बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यही किया हमने, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। तो ए बी किसके इक्वल आया बच्चों? हमारे पास ओ बी माइनस ओ ए। अब बच्चों ए बी, वेक्टर किसके इक्वल हुआ? ओ बी। ओ बी क्या है बच्चों? बी पॉइंट है, इसकी पोजीशन वेक्टर है। यानी ओ बी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। और ओ ए क्या है बच्चों? ओ ए पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका बच्चों? ए पॉइंट का। यानी ए बी वेक्टर किसके इक्वल आया बच्चों हमारे पास? ए बी वेक्टर आया हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर मैं इसी तरह से आपको कहूं कि पी क्या वेक्टर क्या होगा, अगर पी क्या वेक्टर सेम रहेगा बच्चों, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। यानी पहले सेकंड की पोजीशन माइनस फर्स्ट की, ए बी वेक्टर जैसे पहले पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसी तरह से पी क्या वेक्टर क्या होगा बच्चों हमारे पास? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। सो बच्चों, हमें किसी भी वेक्टर की पोजीशन निकालनी आ गई है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजन इन टर्म ऑफ इट्स एंड पॉइंट। इसके एंड पॉइंट की टर्म में हमने किसी भी वेक्टर की पोजीशन क्या होगी? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस को देखते हैं। उसने कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर पॉइंट ए बी सी डी आर। पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं बच्चों चार पॉइंट के। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दे रखा है हमें एक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दे रखा है बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दे रखा है हमें। जब हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर वेक्टर नहीं लिखेंगे,
वेक्टर तो पोजीशन लगने के बाद हो जाएगा, यानी विद रिस्पेक्ट टू जब ओरिजिन उसकी पोजीशन बन जाएगी तो हम OA के ऊपर इस तरह से वेक्टर लिखेंगे। अभी पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या दे रखा है हमें, ये पॉइंट है हमारे पास, तो इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं डालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितना है, A, B का B। पोजीशन वेक्टर ऑफ C कितना है बच्चों, 3A प्लस 2B। और पोजीशन वेक्टर ऑफ D कितना है बच्चों, चार पॉइंट की पोजीशन दे रखी है, 2A माइनस 3B। अब उसने कहा है शो दैट AC इज इक्वल टू 2A प्लस 2B आएगा, तो हमें AC निकालना है बच्चों, AC निकालना है। तो AC क्या होगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C कितना है बच्चों, 3A प्लस 2B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितना है, A। तो AC किसके इक्वल आया बच्चों हमारे पास, AC आया 3A माइनस A, 2A प्लस 2B। तो हमें AC को इसी के इक्वल प्रूव करना है बच्चों। अब हमें DB किसके इक्वल प्रूव करना बच्चों, DB प्रूव करना है 3A प्लस B, DB प्रूव करना माइनस 2A प्लस 4B। तो DB क्या होगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना है बच्चों, हमारे पास B है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ D कितना है, माइनस करेंगे 2A माइनस 3B। ये देखिए बच्चों यहाँ पे 2A माइनस 3B यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास B माइनस 2A और माइनस प्लस का 3B। तो ये आया बच्चों हमारे पास माइनस का 2A और प्लस का B प्लस के 3B 4B। तो यही प्रूव करना है बच्चों हमने, और इसी तरह से आगे निकालना है हमने BC, BC निकालना है बच्चों, BC। तो BC क्या होगा बच्चों हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ C कितना है बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ C है हमारे पास, ये देखिए आप लोग, 3A प्लस 2B, 3A प्लस 2B, पोजीशन वेक्टर ऑफ C है 3A प्लस 2B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B है हमारे पास B। तो ये कितना आया, 3A प्लस का 2B माइनस का B प्लस का B। अब हमने आगे निकालना है बच्चों DA, DA निकालना है बच्चों। तो DA क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितना है बच्चों, A है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ D कितना है हमारे पास, D है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ D है हमारे पास 2A माइनस 3B, 2A माइनस 3B। सो बच्चों इसको करेंगे तो A माइनस 2A और माइनस प्लस का 3B। तो ये आएगा बच्चों हमारे पास, A माइनस 2A आया माइनस A प्लस का 3B। तो यही हमें प्रूव करना है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों हम लोग, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी के, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है बच्चों सेकंड क्वेश्चन में, 4A माइनस 3B, 4A माइनस 3B। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दे रखा है बच्चों हमारे को ए प्लस 3B, ए प्लस 3B। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दे रखा है हमें माइनस 5A प्लस बी, माइनस 5A प्लस बी। तो हमें निकालना है बच्चों, फाइंड द वेक्टर ए बी बी सी ए सी इन टर्म ऑफ ए एंड बी। ए बी निकालना है बच्चों हमें, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। ए बी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है बच्चों हमारे पास, ए प्लस 3B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 4A माइनस 3B। तो ए प्लस 3B, तो यहां पे माइनस 4A हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 3B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, ए माइनस 4A कितना हुआ, ए बी क्या है बच्चों, ए माइनस 4A माइनस का 3A और प्लस का 3B प्लस का 3B 6B। ये आया हमारे पास ए बी। अब क्या निकालना है बच्चों, बी सी निकालना है। तो बी सी निकालते हैं बच्चों,
बीसी क्या होगा बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना बच्चों हमारे पास माइनस फाइव ए प्लस बी, में से माइनस करें पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी कितना है ए प्लस थ्री बी, ए प्लस थ्री बी माइनस करेंगे हम लोग तो माइनस फाइव ए प्लस बी माइनस ए, और माइनस ही हो जाएगा माइनस प्लस माइनस थ्री बी, तो ये आएगा बच्चों हमारे पास माइनस सिक्स ए प्लस का बी माइनस का थ्री बी माइनस का टू बी। अब हमें निकालना है बच्चों एसी, तो एसी निकालना है बच्चों हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है बच्चों हमारे पास माइनस फाइव ए प्लस बी, माइनस फाइव ए प्लस बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए है हमारे पास फोर ए माइनस थ्री बी, फोर ए माइनस थ्री बी, तो माइनस फाइव ए प्लस बी माइनस फोर ए माइनस और माइनस प्लस थ्री बी, तो माइनस फाइव ए माइनस फोर ए माइनस का नाइन ए प्लस का बी प्लस का थ्री बी प्लस का फोर बी। तो ये आ गए हमारे पास बच्चों ए बी बी सी और ए सी। फिर उसने कहा है वेरीफाई दैट ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, वेरीफाई करना है हमें ए बी प्लस बी सी निकाल करके उसको ए सी के इक्वल प्रूव करना है, वेरीफाई ये करना है हमें ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब बच्चों ए बी कितना है, ए बी है हमारे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए बी प्लस बी सी निकालते हैं हम लोग, ए बी कितना आया है हमारे पास, ए बी है माइनस थ्री ए प्लस सिक्स बी प्लस बी सी, बी सी आया है माइनस सिक्स ए माइनस टू बी, तो बच्चों माइनस थ्री ए माइनस सिक्स ए माइनस का नाइन ए आ जाएगा, और प्लस का सिक्स बी माइनस का टू बी प्लस का फोर बी आ जाएगा। अब देखिए बच्चों ए बी प्लस बी सी ये सारा किसके इक्वल आया, ए सी के इक्वल आया, क्योंकि ए सी हमारे पास माइनस नाइन ए प्लस फोर बी है, देखिए ए सी इक्वल टू माइनस नाइन ए प्लस फोर बी, तो माइनस नाइन से माइनस नाइन ए प्लस फोर बी आया, तो ये दिस इज इक्वल टू ए सी, तो हैंस प्रूव, तो हमें यही प्रूव करना था बच्चों। नेक्स्ट करते हैं बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, शो दैट द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, तीन पॉइंट जिनके पोजीशन वेक्टर है ये गिवन है बच्चों हमें, तो लेट पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, तो लेट पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, तो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो हमें ए बी सी मान ली पॉइंट, तो ये दे रखा है हमें माइनस टू ए प्लस थ्री बी प्लस फाइव सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दे रखा है बच्चों दूसरा ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दे रखा है सेवन ए माइनस सी, तो हमें ये तीन पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। अब बच्चों जब भी तीन पॉइंट को कोलिनियर दिखाना हो तो हम, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, तो अगर ए बी सी तीन पॉइंट है कोलिनियर दिखाने हैं तो ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, तो ए बी निकालते हैं बच्चों हम लोग, ए बी, ए बी क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ए बी पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पोजीशन वेक्टर बी ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस टू ए प्लस थ्री बी प्लस फाइव सी, तो ए माइनस और माइनस प्लस टू ए, तो ए प्लस टू ए थ्री हो जाएगा, प्लस टू बी माइनस थ्री बी, टू बी माइनस थ्री बी आ जाएगा माइनस का बी, और प्लस का थ्री सी, और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस का टू सी, तो ये आया हमारे पास ए बी। अब बी सी निकालें या ए सी निकालें हम लोग, बी सी निकालते हैं, बी सी आएगा बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना बच्चों हमारे पास सेवन ए माइनस सी,
माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, ये है हमारे पास ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी। अब बच्चों जब इसको माइनस करेंगे हम इसमें से तो सेवन ए माइनस ए सिक्स सी और माइनस टू बी बच जाएगा ये, और ये माइनस का सी और माइनस थ्री सी माइनस के फोर सी। अब बच्चों अगर मैं इसमें से टू कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री ए प्लस माइनस बी माइनस टू सी आ जाएगा। अब बच्चों देखिए ये बी सी इज इक्वल टू टू इंटू, ये देखिए टू इंटू ये सेम चीज़ आ गई, ये क्या था हमारे पास थ्री ए माइनस बी माइनस टू सी, ये ए बी था यानी टू इंटू ए बी आ गया। तब हमारे पास देखिए बच्चों बी सी इज सम स्केलर इंटू ए बी आ गया, यानी ये इस तरह की फॉर्म आ गई बी सी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, यानी पहला वैक्टर सम स्केलर इंटू दूसरा वैक्टर आ रहा है। तो बी सी एंड ये बच्चों अगर पहला वेक्टर सम स्केलर इनटू दूसरा वेक्टर आए तो पहला वेक्टर दूसरे के क्या होता है पैरेलल होता है, तो यानी बी सी एंड ए बी आर पैरेलल पैरेलल है। अब बच्चों बी सी और ए बी पैरेलल है बिकॉज बी कॉमन है बच्चों, अगर बी कॉमन है क्योंकि बी कॉमन है तो इसलिए हम इन तीन पॉइंट को ए बी सी को क्या कहेंगे कोलिनियर, बिकॉज बी इज कॉमन। अब बी इज कॉमन है, अगर B कॉमन है सो A B C आर कोलिनियर। अब बच्चों देखिए मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे, अब A B और B C वैसे ही पैरेलल की कंडीशन है, A B B C सम स्केलर टू A C आ जाए पैरेलल पैरेलल बोलते हैं क्योंकि B कॉमन है तो ये कोलिनियर है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे, बच्चों हमने B C ये B है सपोज करो और ये है ए बी और बी सी को हमने पैरेलल दिखाना है, लेट दिस इज ए और दिस इज बी, ए हो गया ये बी हो गया। अब बी सी निकालना है, बी सी निकालना है, बी सी को पैरेलल दिखाना है बच्चों ए बी और बी सी, बी ये पॉइंट है, अब ऐसे तो ये पैरेलल नहीं हो सकती ना ये ऐसे हो सकती ना ये ऐसे हो सकती, अब बी से ही पे स्टार्ट करना अगला जो वेक्टर है, तो बी सी बी सी से अगर पैरेलल केवल तभी हो, क्योंकि पैरेलल कब होते हैं जब उनके दो वेक्टर के बीच का एंगल जीरो डिग्री हो, तो पैरेलल तभी होंगे, तो पैरेलल दिखाना है। अब ये तो जीरो डिग्री एंगल नहीं है ना ये है, अगर वो एक ही लाइन में आ जाए, ये बी सी ये ए बी था और ये बी सी था, अगर ये एक ही लाइन में आ गया, अब इन दोनों वेक्टर के बीच में जीरो डिग्री या 180 डिग्री का एंगल है, तो ए बी और बी सी पैरेलल हो गए क्योंकि सेम पैरेलल स्पॉट है बच्चों, तो पैरेलल हो गए। और बिकॉज बी कॉमन आ गया ना बच्चों, क्योंकि बी कॉमन है इसलिए ए बी सी तीनों एक ही लाइन में आ गए। बच्चों अगर सपोज हमारे पास ए बी को हमें सी डी के पैरेलल दिखाना होता तो ए बी को सी डी के पैरेलल तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ए बी इज इक्वल टू पैरेलल टू सी डी, ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारा बी कॉमन है, अब बी पॉइंट से स्टार्ट करना, हमने बी पॉइंट से स्टार्ट करना तो पैरेलल या इधर नहीं हो सकती ये इधर नहीं हो सकती, एक ही लाइन में आएंगे तभी पैरेलल होंगे, तो यानी ए बी एंड बी सी पैरेलल हो गए, लेकिन बी कॉमन है इसलिए ए बी और बी सी ए बी सी क्या आ गए बच्चों हमारे पास कोलिनियर। सो बच्चों कोलिनियर की वैसे मैंने पहले कंडीशन भी यही बताई थी, पहला वेक्टर सम स्केलर इनटू दूसरा वेक्टर आ जाए तो ये कोलिनियर होता है, और इसको हम पैरेलल की कंडीशन ही बोलते हैं बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड का सेकंड पार्ट सेम है बच्चों हमारे पास, थर्ड का सेकंड पार्ट उसने कहा है शो दैट द थ्री पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर, ये तीन पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं आर कोलिनियर, सेम रहेगा बच्चों ये क्वेश्चन, तो ये आपने खुद करना है, इसमें भी वैसे ही सेम जैसे फर्स्ट पार्ट के वैसे ही सेकंड पार्ट करना है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी आर दी पोजिशन वेक्टर ऑफ फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी सी एंड डी, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी सी डी ये चार पॉइंट है, इनके पोजिशन वैक्टर है स्मॉल ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर और डी वैक्टर, तो हमें गिवन है पोजिशन वैक्टर ऑफ ए कितना है बच्चों स्मॉल ए, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी कितना है बच्चों स्मॉल बी, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी कितना है स्मॉल सी, और पोजिशन वैक्टर ऑफ डी कितना है स्मॉल डी। अब उसने कहा है इफ ए बी माइनस ए, गिवन क्या है इफ बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस डी तो शो दैट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है। अब बच्चों पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन है, पैरेललोग्राम में हमारी अपोजिट साइड इक्वल होती है ए बी सी डी,
अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो इक्वल और पैरेलल कब होगी, अगर ए बी इज इक्वल टू सम स्केलर यानी वन इंटू सी डी आ जाए, क्योंकि बच्चों देखिए ए बी सम स्केलर इंटू सी डी आ गया, डी सी आ गया, डी सी, क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी के कब होगा, अगर वन इंटू आ जाए, वन इंटू यानी आ गए तो पैरेलल की कंडीशन, और इक्वल भी हो गया क्योंकि वन इंटू है, सेम है, अगर टू इंटू होते तो भी पैरेलल होते लेकिन वो इक्वल ना होते, अब इसको वन इंटू करना पड़ेगा। तो ये बी क्या है बच्चों हमारे पास, बी है पोजिशन वैक्टर ऑफ, बी था हमारे पास बी है, स्मॉल बी है पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, ये देखिए बच्चों पोजिशन वैक्टर ऑफ बी है, माइनस ए क्या है, स्मॉल ए है हमारे पास पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, पोजिशन, और सी क्या है बच्चों हमारे पास पोजिशन वैक्टर ऑफ सी, और डी क्या है पोजिशन वैक्टर ऑफ डी। अब पोजिशन वैक्टर बी माइनस ए क्या होता है बच्चों, ए बी होता है, और पोजिशन वैक्टर सी माइनस डी ये होता है बच्चों डी सी। अब देखे बच्चों ए बी इज इक्वल टू डी सी आ गया यानी वन इंटू डी सी आ गया, तो ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, ये पैरेलल भी हो गए एंड इक्वल भी हो गए बच्चों, इक्वल क्यों हो गए क्योंकि वन इंटू है तो एंड इक्वल, सो ए बी सी डी क्या होगी, ए बी और डी सी पैरेलल और इक्वल हो गए, सो ए बी सी डी क्या होगी, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। सो बच्चों ये थी एक्सरसाइज हमारी 12.2, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है, अगर आपको समझ आई है तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।